आपने लागत पैसा पर टेक्नोलॉजी देखो बेटा, कल हमने यूनिट 3 की एक्सरसाइज बी की स्टडी की थी, आज है हमारी एक्सरसाइज सी। क्या है एक्सरसाइज सी? जिसमें हमें नंबर्स की कंपेयर करनी है, पता करना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। इन दी गिवन बॉक्स जैसे कि देखो हमारे पास, माय फर्स्ट एग्जांपल इज देखो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में देखो 587210 587210 यानी कि दोनों साइड का जो नंबर है, इस साइड का लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, दोनों साइड के जो नंबर है वो कैसे हैं? बराबर हैं। और दोनों में डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 6 डिजिट है और दोनों नंबर बराबर हैं, तो हमारा कौन सा सिंबल आएगा? इक्वल का। माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अब देखो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। इसमें हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी डिजिट है? 7। इधर भी हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, ठीक है। अब देखो 1 इधर 1 1, 3 3, 1 1, 5 5, 2 2। अब इधर हमारा क्या है? ये 7 और इधर ये हमारा क्या है? 5। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? लेफ्ट साइड वाला। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम प्रोसेस है, डिजिट काउंट कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट। इधर भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 डिजिट है। अब देखो 7 7 8 8 9 3, ये हमारे क्या है? 9 और ये क्या है? 3। तो 9 हमारा जो है वो 3 से बड़ा है, तो हमारा कौन सा सिंबल आएगा? इधर वाला। जो बड़ा होता है उस साइड फेस खुला होता है, और जो छोटा होता है उस साइड कॉर्नर होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम।
हमें जो नंबर दिए होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम। आरोही असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा एंड ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ा। My first example is ये हमारे पास माय फर्स्ट एग्जांपल इज। देखो अब मेरे पास ये सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज दी हुई है इसकी डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट है? 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि जो सीरीज दे रखी है उसमें सम में डिजिट कितनी है? इक्वल 6 6। इसके आगे अब देखो, अब हम इसकी कंपेयर करेंगे। ये हमारा कितना है? 9 8 2 9 और 8। ये 9 है, 8 है, 2 है, 9 है, 8 है। तो इनमें सबसे छोटा क्या है हमारा? 2। तो ये वाला नंबर पहले लेंगे, 2 1 9 3 71। इसके आगे 2 से बड़ा क्या है? 8। अब देखो ये जो 8 है हमारे पास 2 टाइम्स है, इधर भी है और इधर भी है। 8 के बाद हमने 1 की कंपेयर की, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। इधर क्या है? 7 और इधर क्या है? 9। तो हमारा कौन सा नंबर छोटा है? 7 वाला। 8 1 7 3 2 6। इसके बाद 8 1 9 3 2 5। अब हमारे पास ये 9 वाला है, इधर भी है और इधर भी है। तो 9 9 1 1 7 7 ये क्या है? 3 और ये क्या है? 1। तो 1 वाला नंबर पहले लेंगे, 9 1 7 1 2 7 9 1 7 3 4 9। इस तरीके से हमने किसमें लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में। एक और एग्जांपल देखिए, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज ये हमारे पास। तो देखो बेटा हमारे पास ये सीरीज है, सबसे पहले हम इसके डिजिट काउंट कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 इसमें है 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 इसमें है 5। 1 2 3 4 5 6 इसमें है 6, ठीक है। हम सबकी डिजिट काउंट की, डिजिट काउंट करने पर
तीन नंबर जो है उनमें सिक्स डिजिट है और एक नंबर में जो है उसमें क्या है फाइव डिजिट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सिक्स वाले नंबर जो है वो छोड़ देंगे, पहले फाइव डिजिट वाला, तो 10313 ये सबसे छोटा है इसमें। अब देखो इसमें भी सिक्स है, इसमें भी सिक्स है, इसमें भी सिक्स है, तो ये हमारा क्या है वन, ये क्या है फोर, तो ये क्या है सिक्स, तो सबसे पहले कौन सा आएगा वन वाला, तो 131001 4639216834 92 इस तरीके से हम किस में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या बोलते हैं अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी अभी बताया था ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, यानी कि पहले हम किस कैसा नंबर लिखेंगे बड़ा और उसके बाद छोटा। माय फर्स्ट एग्जांपल इज ये। तो देखो सबसे पहले हम की डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में डिजिट इक्वल है, यानी कि 4 4 सब में जो डिजिट है हमारी इक्वल है 4 4। तो अब देखो इसमें क्या है 2 3 4 1 हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी कि इन चारों नंबर में सबसे बड़ा क्या है फोर वाला, तो 4319 इससे छोटा 3421 इससे छोटा 2001 और इससे छोटा 1000। My next example is देखो ये है हमारे पास सीरीज। अब इस सीरीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब इसे हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले अपने डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कितनी है 6
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि सम में डिजिट कितनी है सिक्स बाई सिक्स इक्वल है ठीक है। अब देखो ये कितना है थ्री ये कितना है एट एट फाइव और नाइन इसका फर्स्ट फर्स्ट डिजिट क्या है थ्री इसकी फर्स्ट डिजिट एट इसकी फर्स्ट डिजिट एट इसकी फाइव और इसकी नाइन ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी तो सबसे बड़ा क्या है नाइन नाइन फाइव फोर सिक्स टू फाइव। अब नाइन से छोटा क्या है एट अब एट जो है हमारे पास टू टाइम्स है इधर भी है और इधर भी है तो एट के आगे डिजिट देखेंगे थ्री इधर थ्री है इधर भी थ्री है इधर नाइन है इधर भी नाइन है इधर नाइन है इधर भी नाइन है इधर टू है इधर टू है इधर क्या है ये फाइव और इधर क्या है ये जीरो तो हमारा फाइव वाला नंबर बड़ा है तो एट थ्री नाइन नाइन टू फाइव इससे छोटा ये वाला एट थ्री नाइन नाइन टू जीरो हो गया। अब हमने देखो इस नाइन को ले लिया इस एट को भी ले लिया इसको भी ले लिया अब हमारे पास क्या बच गया थ्री और फाइव तो फाइव वाला फाइव फोर एट नाइन नाइन टू उससे छोटा थ्री थ्री टू फाइव नाइन वन सेवन। इस तरीके से आज हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों की स्टडी की। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आज के लिए इतना ही।